हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टैग मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट दिसंबर 2014। यहाँ पे हम लीनियर एलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो जो टोटल क्वेश्चंस आए थे लीनियर एलजेब्रा के, वो कितने थे? 17 टोटल क्वेश्चन थे आपके। एंड पार्ट बी में से आपके 6 क्वेश्चन थे, पार्ट सी में से आपके 11 क्वेश्चन थे। अगर आपको पिछले वीडियोस आपको देखनी है तो ये मेरी प्लेलिस्ट है लीनियर एलजेब्रा की, यहाँ पे जाकर के आप चेक कर लेना। एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट बी ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी ए स्क्वेयर वेयर आई इज एन एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमें ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, स्क्वेयर मैट्रिसेस है। एंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, बी ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी ए स्क्वेयर। और हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इज़ नॉन सिंगुलर, सेकंड इज़ बी इज़ नॉन सिंगुलर, थर्ड इज़ ए प्लस बी इज़ नॉन सिंगुलर, फोर्थ इज़ ए बी इज़ नॉन सिंगुलर। तो एक टाइप से हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमें कंडीशन गिवन है यहाँ पे, इसकी हेल्प से हमें ए और बी का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, यानी कि देखिए चारों के चारों ऑप्शंस में सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देखिए क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स की, सॉरी जो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है क्या है, स्क्वेयर मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू एन, स्क्वेयर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, दैट इज़ नॉट इन्वर्टिबल इज कॉल्ड सिंगुलर और डीजनरेट। ठीक है, अगर आपके पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है एंड जो स्क्वेयर मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन इन्वर्टिबल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स और डीजनरेट मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो कंडीशन तो ये वही है ना कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स आपकी, अगर मैं कहूँ कि ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है, अब नॉट इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही कंडीशन कही कि किसी भी मैट्रिक्स को, यानी कि एक स्क्वेयर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। यानी कि देखिए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। ठीक है, तो अगर हमें सिंगुलर प्रूफ करनी है तो हम क्या कर लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मींस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स है यहाँ पे, और देखिए एम और एन, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इक्वल्स हैं, तो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे प्रूफ करोगे आप, कैसे प्रूफ करोगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज स्क्वेयर मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू -1 0 0 1। ठीक, -1। अब हमने जो ए और बी दो मैट्रिक्स ली है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी ए प्लस बी स्क्वेयर, क्या है कंडीशन, बी ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी ए स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ की, यहाँ पे पुट कीजिए ए और बी की वैल्यूज, पुट कीजिए क्या आएगा, जब आप पुट करोगे यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स आपकी क्या है, -1 0 0 -1 एंड ए इज़ 1 0 0 1 प्लस बी स्क्वेयर -1 0 0 -1 इंटू -1 0। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, आएगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम 0 एंड 0 -1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन गई,
जीरो 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 जीरो। और अब राइट हैंड साइड चेक कीजिए, राइट हैंड साइड क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी क्या है आपकी, वन जीरो जीरो वन माइनस बी मैट्रिक्स आपकी माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन एंड ए स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर क्या है, जब आप ए स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, वन जीरो जीरो वन। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे भी क्या आएगी आपकी, जीरो जीरो जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। तो हम ये ए और बी, ये मैट्रिक्स हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए जो ए मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, ठीक है, बी आपके पास क्या है, बी भी नॉन सिंगुलर है, तो फर्स्ट और सेकंड का हम यहाँ से नहीं कर सकते कुछ, लेकिन हाँ थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, ए प्लस बी कीजिए क्या आएगा, ए प्लस बी करोगे जब क्या आएगा यहाँ पे, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या कहा है कि ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर, विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, एंड ए बी इज नॉन सिंगुलर, फोर्थ को कैसे करोगे, ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए ए और बी के, तो एग्जांपल हमें अलग लेना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जांपल हमें अलग लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए बी मैट्रिक्स को हम यही रख लेते हैं, एंड ए मैट्रिक्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स मैं एज इट इज रख रही हूँ और ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स ले ली। तो अब देखिए जो ए मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो ए बी प्लस बी के, ये आप चेक करके देख लेना। अब मेरे को फोर्थ ऑप्शन चेक करना है, है ना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगी, और ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स है ए, ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which of the following matrices has the same row space of the matrix? Which of the following matrices has the same row space of the matrix? हमें एक matrix given है और हमें यहाँ पर क्या find out करना है, row space find out करना है, और वो देखना है कि इनमें से किस matrix के equal होगा। ठीक है, has the same row space as the matrix एज गिवन बिलो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि वट इज़ रो स्पेस, क्या होगी डेफिनेशन, देखिए रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, लेट ए बी ए मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज ए सच दैट द वैक्टर स्पेस स्पैंड बाई रोज ऑफ ए इज कॉल्ड रो स्पेस एंड द वैक्टर स्पेस स्पैंड बाई कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड कॉलम स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है स्पैंड बाय रोज ऑफ ए इज कॉल्ड रो स्पेस एंड द वेक्टर स्पेस स्पैंड बाय कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड कॉलम स्पेस। ओके, तो हमें एक टाइप से यहाँ पे एक स्पैनिंग सेट, हमें यहाँ पे एक प्रूफ करना है कि जो स्पैन हो रोज ऑफ ए से एंड या फिर स्पैंड हो कॉलम्स ऑफ ए से, तो हमें यहाँ पे रो स्पेस फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ स्पैंड बाय रो स्पेस ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, या फिर एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो कि द रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स रोज। ओके, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैं यहाँ पे ए बोल देती हूँ, इसको हम रो रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशंस लगाएंगे हम। ठीक है, रो रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? जो अपना पीओट है, पीओट जो आपका होगा उसके नीचे की सारी एंट्रीज आपकी जीरो होंगी और पीओट आपका क्या होगा? वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वी इंटरचेंज आर वन टू आर थ्री एंड आर थ्री टू आर वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका क्या लगेगा? ये पे आर वन को हम इंटरचेंज कर लेंगे आर थ्री से, तो किसके अप्रोक्सीमेट आएगी आपकी मैट्रिक्स? टू फोर जीरो थ्री सिक्स वन एंड फोर एट फोर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन लगाइए। हमें क्या करना है? अब जो आपकी ये फर्स्ट एंट्री है इसको हमें वन बनाना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? वन बनाना है। तो कैसे करोगे? ऑपरेशन लगाओ आर वन के ऊपर। आर वन को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे टू से। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी? वन टू जीरो थ्री सिक्स वन फोर एट फोर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो आपकी थर्ड रो है उसको भी हम उसकी फर्स्ट एंट्री को भी हम वन बना लेंगे। आर थ्री पे ऑपरेशन लगाइए। आर थ्री को हम डिवाइड करेंगे फोर से। ठीक है, तो क्या बनेगी आपकी? वन टू जीरो थ्री सिक्स वन वन टू वन। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो आपकी फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट रो की, जो आपका फर्स्ट पीओट है वन, उसके नीचे की सारी एंट्रीज को हम क्या करेंगे? जीरो। वही होगी आपकी रो रिड्यूस्ड इकलन फॉर्म। तो जीरो करने के लिए आप ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन आपका क्या होगा? आर टू पे लगाओगे, जब आर टू माइनस थ्री आर वन एंड आर थ्री पे लगाओगे आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी? वन टू जीरो 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 माइनस टू जीरो जीरो वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो सेकंड रोज है आपकी, उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको हम वन करेंगे। तो क्या कर लेते हैं हम? आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, आर टू एंड आर थ्री को इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा? वन टू जीरो 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 वन जीरो जीरो माइनस टू। अब इसके जो आपका ये सेकंड रोज की जो नॉन जीरो एंट्री है, जो आपका पीओट है ये, इसके नीचे की एंट्री को हम जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाइए आर थ्री पे। आर थ्री प्लस टू आर टू। ठीक है, तो आपकी क्या बनेगी मैट्रिक्स? वन टू जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए जो रो स्पेस है आपका क्या आ गया? रो स्पेस के अंदर एक आपकी ये रो है एंड सेकंड आपकी ये रो है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स देखिए आपकी किसकी सिमिलर है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट देखिए, वन टू जीरो आर वन एंड जीरो जीरो वन इज आर टू, आर थ्री आपकी जीरो रो है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? रो स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द एन क्रॉस एन परम्यूटेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें परम्यूटेशन मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज परम्यूटेशन मैट्रिक्स, क्या होगी परम्यूटेशन मैट्रिक्स। देखिए, परम्यूटेशन मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। फर्स्ट वी सी दैट कंडीशन आपकी क्या है? वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन, सच दैट ईच लाइन, ए लाइन इज आइदर ए रो और ए कॉलम, कंटेन वन एलिमेंट इक्वल टू वन, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लाइन बीइंग इक्वल टू जीरो। इसने क्या कहा कि ईच लाइन, वो लाइन या तो रोज हो या फिर वो कॉलम हो, आपकी एक एंट्री पक्का उसमें वन होगी और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या होंगी? जीरो होंगी। द सिंपलेस्ट परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो बिल्कुल ही सिंपल जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स आपकी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि वहाँ पे देखोगे जब आप, जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी
अगर मैं यहाँ पे एक 3x3 की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब यहाँ पे देखिए या तो आप कोई भी एक रोज ले लीजिए या फिर कोई भी एक आप कॉलम ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक एंट्री आपकी जो नॉन जीरो है क्या है, एंट्री 1 है, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या हैं, 0 है। ऐसे ही आप सेकंड रो और थर्ड रो में भी चेक कर सकते हो। तो इसने यही कहा कि जो परम्यूटेशन मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी कि अगर जब भी आप कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम जब आप लोगे तो उसमें एक एंट्री जो आपकी होगी जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और जो रिमेनिंग टर्म्स होगी यानी कि रिमेनिंग जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, सारी 0 होगी। तो उसको हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसी टाइप की है, जो ये सारी एंट्रीज है ये क्या है, 0 है, और एक जो आपकी फर्स्ट रो है यहाँ पे 1 है, सेकंड रो में आपका यहाँ 1 है, एंड ऐसे ही आपका हर एक रो में एक एंट्री आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें क्या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट इसने क्या कहा, फर्स्ट कि -1^n होगा, या फिर -1^(greatest integer of n/2) होगा, या फिर -1 होगा या 1 होगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड एज, ये आपका सिंबल है कि कैसे उसको डिनोट करते हैं, फॉर एनी रियल फंक्शन द फंक्शन राउंड ऑफ द रियल नंबर डाउन टू द इंटीजर लेस देन द नंबर। देखिए इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन आपका होता है उसको जब हम डिनोट करते हैं, ये होती है इसकी लेस देन इक्वल टू एक्स। ये इक्वेलिटी कब आएगी, जब आपका एक्स इंटीजर होगा तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका एक्स के इक्वल ही होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, हमेशा लेस देन एक्स। इक्वेलिटी किस केस में आएगी, इफ़ एक्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका है ये क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड आउट करोगे तो ये आपकी क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एन 1 के लिए चेक करूँ तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, अगर मैं 1 के लिए चेक करूँ तो मैट्रिक्स आपकी ये होगी। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे एन 2 के लिए चेक करूँ तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी, 0 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1। ठीक है, अब -1 को आप कैसे लिख सकते हो, -1 कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन, आपका क्या है यहाँ पे, एन आपका यहाँ पे क्या है, 2, तो 2/2। ओके, तो ये भी आपका क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे एन की जगह 3 लोगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1, एंड कैन बी रिटन एज -1^(greatest integer) ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 3/2 लिखूँ, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 1.5। ठीक है, -1^(greatest integer) 1.5, और मैंने क्या कहा था कि जब आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1.5, है ना। अब इक्वेलिटी यहाँ पे आ नहीं सकती क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि जो 1.5 है वो क्या रहेगा, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1.5। अब देखिए 1.5 के जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1, और ये क्या है, 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5। ठीक है, अब 1.5 से जो जब हम बैक चलेंगे तो 1.5 से लेस आपका जो सबसे पहला इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो -1^(1) आपका क्या आएगा, -1। ओके, तो ऐसे ही आप जब n के लिए यहाँ पे निकालोगे डिटर्मिनेंट 4n, तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, -1^(greatest integer n/2), यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स पता होनी चाहिए क्या होगी, और उससे भी ज़रूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है ना,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है थ्री वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड. तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे डिटर्मिनेंट आप? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए 1 1 1, हम यहाँ पे इन दो एंट्रीज को हम जीरो बना लेते हैं, ठीक है. कैसे बनाओगे जीरो? ऑपरेट करो आर टू पे. जब हम ऑपरेशन लगाएंगे आर टू माइनस आर वन, एंड आर थ्री पे ऑपरेशन लगाओ आर थ्री माइनस आर वन. तो आपकी मैट्रिक्स है जो क्या बनेगी, 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड जीरो यहाँ पे होगा आपका वाई माइनस एक्स, एंड वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है. एंड ज़ीरो जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है. अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1 इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके. एंड माइनस जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करोगे जब आप, क्या आएगा वाई माइनस एक्स, यहाँ पे ये वाई माइनस एक्स है, वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स. यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लोगे क्योंकि ये आपका क्या होगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ओके. और ये क्या होगा, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या आ गया, जेड माइनस एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस जेड प्लस एक्स, और वाई माइनस एक्स यहाँ से जब आपने कॉमन लिया तो इधर भी क्या रह गया, प्लस 1 माइनस वाई माइनस एक्स, ओके. तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो इधर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस वन आएगा, माइनस वन से ये वन कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ नॉट डायगनलाइजेबल ओवर आर. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायगनलाइजेबल की डेफिनेशन क्या है, और डायगनलाइजेबल चेक करने के लिए तो बहुत से रिजल्ट है अपने पास. हम चेक तो किसी भी रिजल्ट से कर लेंगे, लेकिन जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो देखिए क्या है. बेसिक डेफिनेशन इज़ an n cross n matrix A is said to be diagonalizable if it can be written on the form A is equal to P dP inverse, where D is a diagonal matrix with eigenvalues of A as its entries and P is a non-singular n cross n matrix consisting of eigenvectors corresponding to the eigenvalues in D. ये आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, लेकिन जब भी हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो बेसिक डेफिनेशन नहीं, हम रिजल्ट्स यूज करेंगे क्योंकि उनकी हेल्प से हम काफ़ी टाइम हम अंजोम कर लेते हैं, ठीक है. तो देखिए एक रिजल्ट आपके पास ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगनलाइजेबल कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ एवरी आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ ए द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा. देखिए अगर आपके पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, अगर आपकी ये इक्वल आ जाती है, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगनलाइजेबल है, ठीक है. एक रिजल्ट आपके पास ये है, और एक रिजल्ट आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास ऑल आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो तब भी हम क्या बोल देते हैं, डायगनलाइजेबल बोल देते हैं, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में जो आइगन वैल्यूज आपकी हैं क्या है, 1, 2 and 1। अब अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 is 2 एंड अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 is 1 एंड नाउ वी फाइंड दैट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 क्या होगी। देखिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 इज, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जो हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, 3, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो डायमेंशन जो है डोमेन स्पेस की कितनी है, 3, माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आपका क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। और रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी जब आप करोगे तो क्या आएगा, इधर देखिए 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 0 1 0 0 1 0 0 1, ओके। तो यहाँ पे रैंक कितना होगा, ये क्या है, 0। रैंक कितना होगा, देखिए 2 नॉन जीरो रोज़ है यहाँ पे, लेकिन 1 रोज़ इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंक होगा वो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 3 - 1 = 2, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, वो भी आपकी क्या है, 2 है। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 क्या होगी, 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 2i इज इक्वल टू 3 - 2 = 1। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू इस आइगन वैल्यू इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सी डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हुआ। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड जो ऑप्शन है ये भी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जो आइगन वैल्यूज यहाँ पे होगी 1, 2 and 3, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो ये भी आपकी डायगोनलाइजेबल होगी, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, आइगन वैल्यूज ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज आपकी है 1, 1 and 2, ठीक है। अब अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 is 2 एंड अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 is 1। नाउ वी फाइंड दैट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 क्या होगी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 3 - रैंक ऑफ a माइनस i = 3 - रैंक ऑफ a माइनस i, यहाँ पे क्या होगी, 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक आपका जो होगा 3 - रैंक आपका, यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज़ हैं, ठीक है, तो रैंक यहाँ पे होगा आपका 2। तो इधर क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, यहाँ पे 1 आ गई, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है क्या है, नॉट डायगोनलाइजेबल, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, आइगन वैल्यूज क्या है, 1, 2 and 3, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो ये क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी बी ए 2×2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट p * p इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर p * इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ p, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ p आर रियल, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, थर्ड इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड फोर्थ वन इज ऑफ मॉडुलस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा इसने, p * p इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, p * p इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसने कहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, p * p इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज p इज यूनिटरी मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, we know that
the eigenvalues of unitary matrix is unit modulo 1. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? पार्ट बी का था तो इसलिए एक ही ऑप्शन आपका ट्रू होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए रियल एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए बी एंड एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ओके, तो नेक्स्ट देखिए, दैट इज, ठीक है, द एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन इज इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स विद ए वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन आर एन. सेकेंड वन इज ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर प्लस वन और माइनस वन. एंड थर्ड इज द रोज ऑफ ए फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन. एंड द फोर्थ वन इज ए इज डायगनलाइजेबल ओवर आर. तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स विद ए वाई. ये हमें फाइंड आउट करना है क्या आएगा. तो एंड देन वी नो दैट बाई डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स विद ए वाई इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए एक्स इंटू ए वाई. एंड जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ट्रांसपोज ए वाई. अब जो ए ट्रांसपोज ए है वो किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है. तो यहाँ से क्या आएगा? इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज आइडेंटिटी इंटू वाई एंड इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन आर एन. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ट्रू. सेकंड क्या है? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर प्लस वन और माइनस वन. सेकंड में कौन सा रिजल्ट यूज होगा? वी नो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मोडुलो वन. तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया इस स्टेटमेंट से. थर्ड देखिए क्या है? द रोज ऑफ ए फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन. ये बाय स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा. स्टेटमेंट क्या है इसके लिए? स्टेटमेंट है वी नो दैट द रोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ओके. तो ये इसी रिजल्ट से ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड. फोर्थ क्या है? ए इज डायगनलाइजेबल ओवर आर. इसके लिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेती हूँ. कंसीडर लेट ए इज इक्वल टू जीरो माइनस वन वन जीरो. दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन एंड जीरो. दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन जीरो इंटू जीरो माइनस वन वन जीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है,
तो ये ऑर्थोगोनल है, ओके। तो इसकी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगी क्या होगी, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर दिस। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज नॉट डायगनलाइजेबल, ओके, नॉट डायगनलाइजेबल ओवर आर, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज आपकी आई है वो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए थी, आर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यूज प्लस माइनस आयोटा विच इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म टू 0 0 0 1 0 0 0 0 0। देखिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म कॉल्ड ए जॉर्डन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ए लिनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस सस ए मैट्रिक्स हैज ईच नॉन जीरो ऑफ डायगनल एंट्रीज इक्वल टू वन एंड विद आइडेंटिकल डायगनल एंट्रीज टू द लेफ्ट एंड बिलो दैम, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, आपके पास ये आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन क्या है, थ्री है, ठीक है, मैंने यहाँ पे माना कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन इज थ्री। तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक क्या किया है, यहाँ पे इसने थ्री ऑर्डर का एक ब्लॉक बनाया है, ठीक है, जो आपकी आइगन वैल्यू होगी उसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, अब सेकंड लैम्डा वन इज़ इसके ऊपर वाला ही क्या है, वन एंड लैम्डा वन, यहाँ पे भी देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला ही एलिमेंट क्या है, वन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये टू ऑर्डर का ब्लॉक है आपका, ये आपका वन ऑर्डर का ब्लॉक है, ये फिर आपका टू ऑर्डर का ब्लॉक है, तो इस टाइप की आपकी जॉर्डन फॉर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स आपको गिवन है ये क्या है, एक टू ऑर्डर का ब्लॉक है यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो, है ना। अब देखिए ये टू ऑर्डर का ब्लॉक है इसीलिए तो यहाँ पे जीरो के जस्ट ऊपर वाला जो एंट्री है क्या है, वन है, और ये क्या है, वन ऑर्डर का ब्लॉक है, थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो तीनों के तीनों ही आपके वन ऑर्डर के ब्लॉक होंगे, या फिर आपका थ्री ऑर्डर का ब्लॉक होगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि एक आपका टू ऑर्डर का ब्लॉक हो और एक आपका वन ऑर्डर का ब्लॉक हो। तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग एक आपका टू ऑर्डर का ब्लॉक गिवन है और एक आपका यहाँ पे वन ऑर्डर का ब्लॉक गिवन है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, टू जॉर्डन ब्लॉक है, टू जॉर्डन कैनोनिकल ब्लॉक, वन वन ऑफ ऑर्डर टू, एक आपका ऑर्डर टू का है एंड वन ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है, एक आपका ऑर्डर वन का है, ठीक है। दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, अब देखिए आपको ये भी पता है कि जब आप ब्लॉक बनाते हो अगर आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पावर होगी यानी कि जो उसकी डिग्री होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की उतनी ऑर्डर का तो पक्का एक ब्लॉक आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर टू ऑर्डर का यहाँ पे ब्लॉक है इसका मतलब है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे होगी वो क्या होगी, टू ऑर्डर की टू डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो टू डिग्री है यहाँ पे तो टू ऑर्डर का एक ब्लॉक पक्का होगा, तो पॉसिबिलिटी बस एक बची, जो एक जो बचा वो क्या होगा, वन ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आपकी एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, एक्स क्यूब, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो क्या है, थ्री, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज क्या है, जीरो जीरो है। एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस
अब आइगन वैल्यू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे जीरो होगा, तो एन यहाँ पे क्या है थ्री है, एंड रैंक ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है आपकी ए, तो ओनली वन नॉन जीरो रो, तो क्या होगा रैंक वन होगा, तो ये क्या आ गया टू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो वो क्या होनी चाहिए थ्री, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए टू। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर है, जो आइगन वैल्यूज हैं आपकी जीरो जीरो जीरो, तीनों की तीनों जीरो है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो कितनी होगी यहाँ पे, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज थ्री। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी यहाँ पे जीरो के कोरस्पॉन्डिंग, थ्री माइनस रैंक ऑफ ए क्या आएगा वन यानी कि टू। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थ्री होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी टू होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकेंड में देखिए क्या है, आइगन वैल्यूज क्या है जीरो जीरो जीरो, तो जो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी यहाँ पे थ्री होगी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा थ्री माइनस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन रोज ही है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया टू। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। थर्ड देखिए, यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या है जीरो जीरो जीरो, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज थ्री, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज थ्री माइनस वन इज टू, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या होगा, जो रैंक है मैट्रिक्स ए का वो कितना है टू है। ठीक है, रैंक टू है, तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी वन होगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट ए बी ए थ्री क्रॉस फोर एंड बी ए थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज, सपोज दैट द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, देन फर्स्ट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ एन इंटीजर सोल्यूशन, एंड सेकेंड वन इज ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए रैशनल सोल्यूशन, थर्ड वन इज द सेट ऑफ रियल सोल्यूशंस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ रैशनल सोल्यूशंस, एंड द फोर्थ वन इज इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो देन ए हैज़ पॉजिटिव रैंक। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है ना, जो ए है वो क्या है ए आई जे बी थ्री क्रॉस फोर, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे इज थ्री क्रॉस वन विद इंटीजर एंट्रीज। ठीक है, जो एंट्रीज जो होंगी वो क्या है इंटीजर है। ठीक है, एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, हैज ए कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, ये भी आपको गिवन है। ओके, ये भी आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज एन इंटीजर सोल्यूशन, इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसिडर ए इज इक्वल टू टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू जीरो जीरो जीरो, ओके, एंड बी इज इक्वल टू वन वन वन, बी थ्री क्रॉस फोर एंड थ्री क्रॉस वन, ओके, एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एंड देन दिस इम्प्लाइज टू एक्स इज इक्वल टू वन
एंड टू वाई इज इक्वल टू वन एंड टू जेड इज इक्वल टू वन एंड दिस इम्प्लाइज एक्स किसके इक्वल होगा वन बाई टू एंड y इज इक्वल टू वन बाई टू एंड जेड इज इक्वल टू वन बाई टू। अब देखिए जो ये सोल्यूशन है यहाँ पे जो एक्स वाई जेड आपका जो सोल्यूशन आया है क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है जो ये सोल्यूशन आया है? नहीं, ये क्या है? रैशनल सोल्यूशन, हैज़ नोट एन इंटीजर सोल्यूशन। दिस इम्प्लाइज हैज़ नोट एन इंटीजर सोल्यूशन। ओके, ये क्या है आपके पास? रैशनल सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए रैशनल सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑलवेज की बात नहीं की है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या है? द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज़ ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ रैशनल सॉल्यूशंस। कैसे करोगे ऑप्शन को? देखिए ऑप्शन थर्ड जो है आपके पास क्या है? ए मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ 3×4। दिस इम्प्लाइज जो रैंक होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 3। ओके, इफ आपको पता है रिजल्ट आपके पास क्या होता है? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड सेकेंड रिजल्ट आपके पास क्या है? इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन 4 दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हैं आपके पास। तो अब यहाँ पे देखिए जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो आपके पास जो रैंक है वो क्या होगा? लेस देन 4, ऑलवेज लेस देन 4 होगा। तो अब देखिए ये रिजल्ट आपका सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, इक्वल टू 4 ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन 4 होगा तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है देन देयर एग्जिस्ट ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ रैशनल सॉल्यूशंस। ओके, देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा? ट्रू होगा। एंड दी फोर्थ क्या है? इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो देन ए हैज़ पॉजिटिव रैंक। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है ए इज ए 3×4 मैट्रिक्स, therefore ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज एन नॉन जीरो हैज़ ऑलवेज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। ओके, ऑलवेज ए नॉन जीरो सोल्यूशन, therefore rank of A is always greater than equal to 1 and this implies rank of A is positive। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ बी ए नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन आर थ्री, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आई सच दैट आर थ्री टू आर वे आई इज 1 एंड 2 सच दैट फॉर ऑल अल्फा बीटा इन आर थ्री एफ ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू टी वन एल्फा इन टू टी टू बीटा, देन फर्स्ट इज रैंक ऑफ एफ इज 1 एंड द सेकेंड वन इज डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ ऑल बीटा इन आर थ्री सच दैट एफ ऑफ एल्फा बीटा इज 0 फॉर ऑल एल्फा इन आर थ्री इज 2 एंड थर्ड वन इज एफ इज ए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और नेगेटिव सेमी डेफिनेट एंड द फोर्थ वन इज सेट ऑफ ऑल एल्फा सच दैट एफ ऑफ एल्फा एल्फा इज 0 इज ए लीनियर सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 2। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हम वो राइट कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, वहीं से हमें पता चलेगा कि इसको कैसे करेंगे। हमें जो गिवन है यहाँ पे पहले हमें वही राइट करना होगा। तो देखिए क्या गिवन है हमें, एफ एक नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है,
और T1 and T2 कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए F is non-zero symmetric bilinear form on R3, okay? And F of alpha beta किस टाइप से डिफाइन है? Defined as F of alpha beta is equal to T1 alpha into T2 beta. ओके एंड T1 TI कैसे डिफाइन है? R3 to R वेयर I गोइंग टू 1 and 2. ओके दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी ऑफ आई इज इक्वल टू, रैंक क्या होगा आपका? रैंक ऑफ टी आई इज इक्वल टू 1 बिकॉज F इज नॉन जीरो. ओके एंड दिस इम्प्लाइज बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय सिल्वेस्टर थ्योरम, नलिटी ऑफ टी आई इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ एफ इज इक्वल टू 1. ओके तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या था? रैंक ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. एंड नाउ सेकेंड क्या है? डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ ऑल बीटा सच दैट एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. अब हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है? कैसे करोगे सेकेंड ऑप्शन के लिए? ये आपका फर्स्ट था. देखिए नाउ डायमेंशन ऑफ ऑल बीटा इन R3 सच दैट एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल alpha in R3. okay and this implies dimension of all beta in R3 such that f of alpha beta kis type se define hai? Dekhi T1 alpha into T2 beta, okay, is equal to 0 for all alpha in R3. this implies dimension of beta in R3 such that T2 beta is equal to 0, ठीक है? T2 beta क्या होगा? Is equal to 0, ठीक है? And this implies dimension of, ये क्या है? Dimension of kernel of T2, okay? And this implies dimension of कर्नल ऑफ T2 इज इक्वल टू नलिटी ऑफ T2. एंड नलिटी ऑफ T2 क्या है? नलिटी ऑफ T1 इज 2 एंड नलिटी ऑफ T2 इज 2. तो नलिटी ऑफ T2 आपके पास क्या है? 2 है. तो डायमेंशन क्या आ गई? 2. तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा? करेक्ट होगा. थर्ड क्या है? F इज ए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और नेगेटिव सेमी डेफिनेट. तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि जो रैंक ऑफ एफ है क्या है? 1 है, ठीक है? तो जो थर्ड ऑप्शन है, बिकॉज रैंक ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1 आइगन वैल्यू नॉन जीरो एंड अदर विल बी 0. तो रैंक ऑफ एफ अगर 1 है तो पक्का यहाँ पे कम से कम आपकी एक आइगन वैल्यू जो है वो क्या होगी? नॉन जीरो होगी. दिस इम्प्लाइज 1 आइगन वैल्यू नॉन जीरो एंड अदर विल बी 0. ओके तो सेमी डेफिनेट होगा. ओके तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू है. फोर्थ देखिए, सेट ऑफ ऑल अल्फा सच दैट एफ ऑफ अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 2. डायमेंशन फाइंड आउट कीजिए. क्या होगी डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ अल्फा सच दैट एफ ऑफ अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0 देन दिस, तो ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ
डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एफ ऑफ अल्फा अल्फा और ये क्या है टू, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, फर्स्ट इज ए इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स हैज ऑल इंटीजर एंट्री, सेकेंड इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑड, एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 3, 13, एंड फोर्थ इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर्स. ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, वहीं से हमें इन्वर्टिबल का पता चल जाएगा कि इन्वर्टिबल है या फिर नहीं. ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 × 0 − 2 + 9 × 18 + 8 × 1 − 72 एंड इज इक्वल टू −10 + 162 − 569 इज इक्वल टू −416 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ओके, अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ए इज़ इन्वर्टिबल, यहाँ तक तो ये ठीक है. ठीक है, उसके बाद इसने कंडीशन क्या लगाई कि इन्वर्स हैज़ ऑल इंटीजर एंट्रीज, तो हमें यहाँ पे इन्वर्स भी फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, इन्वर्स भी फाइंड आउट करना होगा. तो हम नेक्स्ट देख लेते कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ऑड बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इवन, तो सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा. थर्ड देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिविजिबल बाई 13, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करूँ तो क्या आएंगे 32 × 13. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू होगा, डिविजिबल बाई 13. एंड फोर्थ आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज़ एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर्स. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके डिवाइजर्स देखूँ तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 13, तो ये देखिए ये आपका क्या है प्राइम है, 2 भी क्या है प्राइम है. तो यहाँ पे क्या कहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर, एटलीस्ट 2 की बात की है. तो देखिए एक आपका 2 हो गया, एक आपका 13 हो गया, तो 2 डिवाइजर्स हो गए, 2 प्राइम डिवाइजर्स, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा. अब फर्स्ट पे आते हैं हम, फर्स्ट में कहा ए इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स हैज़ ऑल इंटीजर एंट्रीज. तो जब आप यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालोगे तो डेफिनेशन क्या है इन्वर्स की, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, तो डिटर्मिनेंट है आपका 1 − 416 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ पे इसको निकाल लेना. ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ कि क्या आएगा, −2 − 8 − 46 − 18 − 72 − 2 − 71 − 76 & 31. अब देखिए यहाँ पे ये सारी एंट्रीज़ क्या हैं, इंटीजर एंट्रीज़ हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 416 से तो ये इंटीजर एंट्रीज़ आपकी नहीं आएंगी. ठीक है, तो जो इन्वर्स है आपका उसके अंदर इंटीजर एंट्रीज़ नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी 5×5 मैट्रिक्स एंड बी बी ऑब्टेंड बाई चेंजिंग 1 एलिमेंट ऑफ ए, लेट आर एंड एस बी दी रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी. देखिए रैंक ऑफ ए आपके पास क्या है, आर, एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एस. ठीक है, एंड जो मैट्रिक्स बी है वो कैसे ऑब्टेंड की है इसने, ऑब्टेंड बाई चेंजिंग 1 एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. जो मैट्रिक्स आपकी ए है, ए आई जे बी 5×5 मैट्रिक्स एंड ठीक है, रैंक ऑफ ए क्या है आपके पास, आर. ओके, एंड जो बी मैट्रिक्स है क्या है, जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, बी आई जे
न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए बाय चेंजिंग वन एलिमेंट. ओके, वन एलिमेंट ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेती हूँ एक मैट्रिक्स ए, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0. ओके, कि मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली ए. तो यहाँ पे देखिए रैंक कितना है ए का, रैंक ऑफ ए इज 5. इफ यू रिप्लेस नॉन जीरो एंट्री बाय नॉन जीरो एंट्री, अगर मैं एक नॉन जीरो एंट्री को नॉन जीरो एंट्री से ही रिप्लेस करती हूँ तो रैंक पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा. तो रैंक ऑफ बी भी आपका क्या आएगा, 5 आएगा. ठीक है, ठीक है ना. तो जो रैंक ऑफ बी है वो भी आपका क्या आएगा, 5 आएगा. अब उसके बाद देखिए ये कब आया है, इफ वी रिप्लेस नॉन जीरो एंट्री बाय नॉन जीरो एंट्री देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, एस इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस 1. ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप कि जो रैंक ऑफ ए है लेस देन इक्वल टू 5 एंड रैंक ऑफ बी जो है वो भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 5. हमें गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है, देखो जो 5x5 की मैट्रिक्स है तो जो रैंक होगा ज़रूरी नहीं कि उसमें 5 की 5 रोज आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. मैंने वहाँ पे माना कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 हो सकता है एंड रैंक ऑफ बी भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5. यहाँ पे इस एग्जांपल से मैंने बस ये बताया है कि अगर आप एक नॉन जीरो एंट्री को नॉन जीरो एंट्री से रिप्लेस करोगे तो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अब देखिए आपका जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, आर है. तो आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा एंड रैंक ऑफ बी क्या है आपका, एस है. तो एस बी आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हो सकती है. पॉसिबिलिटी इज आर लेस देन इक्वल टू एस और एस लेस देन इक्वल टू आर. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है एंड दिस इम्प्लाइज आर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एस और एस इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस 1. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी. तो इधर देखिए कि क्या है, एस लेस देन इक्वल टू आर प्लस 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा. सेकंड क्या है, आर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एस, तो सेकंड भी आपका ट्रू होगा एंड थर्ड फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. लेट एम एंड के डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन ए फील्ड के. फिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इन एम एंड के एंड कंसिडर द लीनियर मैप टी सच दैट एम एंड के टू एम एंड के गिवन बाई टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. ओके, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट आपकी होती है
स्टेटमेंट क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लेट टी एफ एन क्रॉस एम टू एफ एन क्रॉस एम सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेयर ए एन क्रॉस एन इज फिक्स्ड इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके मोर एवर रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एम इन टू रैंक ऑफ ए एंड नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एम इन टू एन इन एम इन टू नलिटी ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू एम इन टू ट्रेस ऑफ ए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे क्या है एन क्रॉस एन है तो एम की जगह पे वहाँ पे सिर्फ एन हो जाएगा। तो अब देखिए एम एन के इज़ द स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर है देन दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन जीरो ओके एंड दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है लीनियर मैप टी एम एन के टू एम एन के ओके। तो यहाँ से देखिए सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओके दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन इन टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन इन टू एन क्या आ गया एन स्क्वेयर तो रैंक ऑफ टी इज एन स्क्वेयर दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एंड टी इज नॉन सिंगुलर ठीक है टी इज नॉन सिंगुलर। अब देखिए कि जो थर्ड ऑप्शन है क्या है रैंक ऑफ टी इज एन स्क्वेयर ट्रू एंड फोर्थ क्या है टी इज नॉन सिंगुलर तो फोर्थ भी आपका ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट ऑप्शन को कैसे करोगे जो ऑप्शन फर्स्ट है उसको कैसे करोगे देखो ऑप्शन फर्स्ट ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू एम इन टू ट्रेस ऑफ ए ओके यहाँ पे हमें क्या गिवन है एन है तो क्या होगा एन इन टू ट्रेस ऑफ ए ठीक है बिकॉज ए इज स्क्वेयर मैट्रिक्स ठीक है इसीलिए यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन हुआ देयरफोर ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ डायगनल एंट्रीज सम ऑफ डायगनल एंट्रीज आपकी यहाँ पे क्या होगी समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन ए आई आई ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू एन इन टू समेशन ऑफ आई वन टू एन आई आई ठीक है एन यहाँ पे है आपका तो क्या आएगा ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू एन इन टू समेशन ऑफ आई वन टू एन ए आई आई ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एंड सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर आर्बिट्रेरी सबस्पेस यू वी एंड डब्ल्यू ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास यू वी डब्ल्यू सब स्पेस है देन फर्स्ट इज यू इज कंटेंड इन यू प्लस वी ओके सेकेंड वन इज U intersection V is always contained in U and U intersection V is also contained in V ठीक है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन पे
देखिए फर्स्ट ऑप्शन को, आपके पास क्या है कि आपको पता है कि जो v प्लस डब्ल्यू है, v प्लस डब्ल्यू इज़ द सुपर सेट ऑफ v, ओके यहाँ से ठीक है, v प्लस डब्ल्यू इज़ द सुपर सेट ऑफ v। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लूँ बोथ साइड u इंटरसेक्शन, बोथ साइड मैंने क्या किया कि इंटरसेक्शन ली u के साथ, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि v प्लस डब्ल्यू इज़ ए सुपर सेट ऑफ v, सेम एज v प्लस डब्ल्यू इज़ सुपर सेट ऑफ w, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बोथ साइड इंटरसेक्शन ले लेती हूँ u के साथ, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो देखिए ये क्या है, सब स्पेस है। जब मैं ऐड करूँगी इन दोनों को, वन प्लस टू, तो क्या आएगा आपके पास, जब मैं दोनों को ऐड करूँगी तो देखिए, u इंटरसेक्शन v प्लस डब्ल्यू इज़ द सुपर सेट ऑफ u इंटरसेक्शन v प्लस u इंटरसेक्शन w, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, u इंटरसेक्शन v प्लस डब्ल्यू इज़ द सुपर सेट ऑफ u इंटरसेक्शन v प्लस u इंटरसेक्शन w, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ को करेंगे। देखिए थर्ड फोर्थ को कैसे करोगे आप, ऑप्शन थर्ड कैसे करोगे, देखिए आपको पता है कि u इंटरसेक्शन v इज़ कंटेंड इन u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड w ऐड करेंगे, u इंटरसेक्शन v प्लस w इज़ कंटेंड इन u प्लस w, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ये है, आपको पता है कि u इंटरसेक्शन v इज़ कंटेंड इन v, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, w को ऐड करेंगे, ठीक है, इज़ कंटेंड इन v प्लस w, ये आपकी सेकंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर u इंटरसेक्शन v प्लस w, u प्लस w में भी कंटेन है और v प्लस w में भी कंटेंड है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी कंटेंड होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन v प्लस w इज़ कंटेंड इन v प्लस w इंटरसेक्शन u प्लस w, इंटरसेक्शन में भी कंटेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लेट ए बी ए 4x7 रियल मैट्रिक्स एंड बी बी ए 7x4 रियल मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू i4 एंड i4 इज़ द 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑलवेज ट्रू, फर्स्ट इज रैंक ऑफ ए इज 4, सेकेंड वन इज रैंक ऑफ बी इज 7 एंड द थर्ड इज नलिटी ऑफ बी इज 0 एंड द फोर्थ इज बी ए इज इक्वल टू i7, वी हर i7 इज द 7x7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, देखिए यहाँ पे आपके पास है एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे बी ए 4x7 मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड बी आपके पास क्या है, बी इज बी आई जे बी ए 7x4, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 4, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए इज 4, तो रैंक ऑफ ए इज 4, रैंक ऑफ बी इज
लेस देन इक्वल टू फोर, तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि रैंक ऑफ बी है क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे क्या अप्लाई होगा कि देखिए, इफ ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, इफ ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम इंटू एम कोमा एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू फोर होगा, एंड लेस रैंक ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फोर, तो सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू फोर एंड रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू फोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू फोर एंड रैंक ऑफ बी ए ऑल्सो लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज अगर रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ बी ए आपका लेस देन इक्वल टू फोर है, तो जो बी ए मैट्रिक्स है वो कभी भी आई सेवन नहीं हो सकती। अगर आई सेवन हो गई तो रैंक उसका सेवन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है, बी ए इज इक्वल टू आई सेवन, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, इसको कैसे करोगे, गिवन ए बी इज इक्वल टू आई फोर, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू फोर एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज बाई रैंक नलिटी थ्योरम नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी आइगन वैल्यूज, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन नंबर 16, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स है आपकी क्या है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, क्या है ये, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ओके, मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आ जाऊंगी परम्यूटेशन मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे देख लेना। ये देखिए, अगर ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, देखिए दिस इम्प्लाइज वन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फोर पे, देखिए जो फर्स्ट आपका है कहाँ पे गया, फोर पे, एंड फोर कहाँ पे गया, जो फोर है वो कहाँ पे गया, वन पे। ठीक है, एंड टू कहाँ पे गया है, फाइव पे, देखिए टू कहाँ पे गया, फाइव पे, एंड फाइव कहाँ पे गया, टू पे। उसके बाद देखिए जो थ्री है, थ्री कहाँ पे गया, सिक्स पे, एंड सिक्स कहाँ पे गया, थ्री पे। ठीक है, ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ, ये क्या है, टू ऑर्डर के साइकिल्स हैं, तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर भी कितना है, टू है, टू एंड टू। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, टू। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वेयर, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, प्लस वन एंड माइनस वन। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 17, देखिए आपके टोटल 17 क्वेश्चन आए थे 2014 में,
देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स वेयर एक्स वाई इन आर सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, देन वी मस्ट हैव फर्स्ट इज फोर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, वेयर एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा बाई एन एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा बाई एन, देन सेकेंड इज ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द थर्ड वन इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड द फोर्थ वन इज ए इज सिमिलर टू ए डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए x आपके पास क्या है, x आपके पास क्या है, ये ठीक है, y ये है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है a रेज टू द पावर n, सबसे पहले तो a की जगह पे ही पुट कीजिए, ये सब क्या आएगा जब आप पुट करोगे, तो cos ऑफ थीटा बाई n साइन ऑफ थीटा बाई n माइनस साइन ऑफ थीटा बाई n एंड कोस ऑफ थीटा बाई n। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ n थीटा बाई n साइन ऑफ n थीटा बाई n माइनस साइन ऑफ n थीटा बाई n कोस ऑफ n थीटा बाई n, तो a रेज टू द पावर n आपकी क्या आ गई कोस ऑफ थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा, सेकंड क्या है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स आपकी है अगर मैं यहाँ पे लूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन, तो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी जीरो जीरो वन माइनस वन, अब यहाँ पे जो ट्रेस ऑफ ए है क्या आएगा जीरो, तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, कैसे करोगे, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लूँ जो मैंने यहाँ पे कंसीडर की है, देखिए थर्ड ऑप्शन के लिए ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे क्या ली थी जीरो वन माइनस वन जीरो, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा जीरो वन माइनस वन जीरो। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज ए ए ट्रांसपोज, ए ए ट्रांसपोज जब आप करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो माइनस वन वन जीरो एंड जीरो माइनस वन वन जीरो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसकी कंडीशन है ये ऑर्थोगोनल की है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ क्या है ए इज सिमिलर टू ए डायगनल मैट्रिक्स ओवर सी, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल ओवर सी, आपके पास जो ये मैट्रिक्स है क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल प्रूफ करी है, तो आपको पता है कि एवरी ठीक है ए इज सिमिलर टू ए डायगनल मैट्रिक्स, हाँ एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल ओवर सी, इसके लिए रिजल्ट है क्या एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल ओवर सी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यही थे आपके दिसंबर 2014 में आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन थे टोटल, ये हो गए हैं अपने। अगर आपको
2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के लीनियर एलजेब्रा के अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, पिछली वीडियोज आपको मिल जाएगी। लीनियर एलजेब्रा के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जा कर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना। ओके, थैंक यू।